सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्यार के लिए पाकिस्तान से बॉर्डर पार कर भारत पहुंची सीमा हैदर को यहां लगभग एक साल होने वाला है, लेकिन अभी तक उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर लगातार सचिन सीमा पर निशाना साध रहे हैं और बड़ी कानूनी कार्रवाई करने पर तुले हैं। हाल ही में गुलाम हैदर का एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में उन्होंने जमकर गुस्सा निकाला है। इस वीडियो में गुलाम सीमा हैदर को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि जो वो कर रही है उसकी माफी नहीं हो सकती। गुलाम ने कहा कि सीमा के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं और उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। भारत की अदालत पर भरोसा होने की बात कहते हुए गुलाम ने कहा कि सीमा जब हिंदुस्तान की अदालत में खड़ी होगी तो उसके पास जवाब नहीं होगा, वो जेल जाएगी और मेरे बच्चे मुझे वापस मिलेंगे। गुलाम ने आगे कहा, मैंने देखा हाल ही में सचिन और सीमा ने फिर से शादी की है, इसका वीडियो भी सामने आया है। पहले कहा गया कि पिछले साल नेपाल में शादी हुई, फिर अब दोबारा शादी की। मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद ये लोग तीसरी बार फिर से शादी करेंगे। ये लोग अब खुद फंसने लगे हैं, ये कानूनी पंजे में फंस रहे हैं तो अब ये सब कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये शादी का बहाना करके बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बाद गुलाम हैदर ने कहा कि सीमा और सचिन ने सस्ती शोहरत के लिए जो किया वो बहुत खराब चीज है। बच्चों के वीडियो दिखाकर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे खराब बात क्या हो सकती है। ये सब देखकर मेरा दिल दुखता है। मैं 8 महीने से रोज परेशान हो रहा हूँ, तिल तिल मर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये इंतजार अब खत्म होगा और मेरे वकील सीमा को कानून के पंजे में लाएंगे। गुलाम हैदर ने भारत आने के बारे में कहा, मोमिन मलिक मेरा केस लड़ रहे हैं, वो मेरे नाम से अर्जी दे रहे हैं। जिस दिन भी मोमिन मलिक का इशारा हो जाएगा मैं तुरंत भारत पहुंच जाऊंगा। गुलाम ने कहा कि ये अदालत और वकील का फैसला होगा कि कब मेरी वहां खुद पेश होने की जरूरत है। मुझे भारत की अदालत से उम्मीद है कि देर तो हुई है लेकिन अंधेर नहीं होगा। कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त इंसाफ करेगा। गुलाम ने पाकिस्तान की सरकार से भी मामले में दखल देने की अपील की है। उसने कहा कि अगर पीएम शहबाज की ओर से भारत की गवर्नमेंट से बात की जाएगी तो मसले का हल जरूर निकलेगा और मेरे बच्चे वापस आएंगे। उसने कहा कि मैं इस मामले में बेबस हूं, लेकिन दो मुल्कों के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। सरकारें चाहेंगी तो बच्चे वापस आ जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।